मैं एस बी सर SST क्लास 5th चैप्टर 8 में लेकर के आप लोगों को चलता हूँ। द स्टोरी ऑफ द राइटिंग एंड प्रिंटिंग। राइटिंग करने की और प्रिंटिंग करने की क्या कहानी रही है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर इस लेसन में प्राप्त करेंगे। लेट्स स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो द ब्रेली स्क्रिप्ट, नीचे ब्रेली स्क्रिप्ट ब्रेली की लिखावट दी गई है। ट्राई एंड मेक द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ब्रेली स्क्रिप्ट। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर लिखा हुआ है ब्रेली स्क्रिप्ट में। तो इसके नीचे हम लोग बढ़ते हैं, अब इधर देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए चिल्ड्रन, बुक ओपन कर लीजिएगा 42 नंबर पेज नंबर पे। चिल्ड्रन यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस, बच्चों आप लोग पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, दैट अर्ली मैन वेयर फूड गेदर्स, पहले के लोग फूड क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे। दे लिव्ड इन जंगल, जंगल में रहते थे, एंड के गुफाओं में रहा करते थे। दे स्पोक एज द एनिमल स्पीक, वो जानवरों के जैसा मतलब बोला करते थे। दे हैड नो सर्टन सिंबल ऑफ साउंड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, वो उनके पास एक कोई निश्चित सिंबल नहीं था साउंड का जिससे वो अपनी भावनाओं को दूसरे के अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते थे, बता सकते थे, ऐसा कुछ सिंबल नहीं था। बट नाउ अ डेज वी हैव वेरियस टाइप ऑफ सिंबल, लेकिन इस समय आज के समय में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स आ गए हैं जिसके द्वारा आप साउंड टू एक्सप्रेस और जिसके द्वारा हम अपने साउंड को अपनी आवाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। यू वुड थिंक योर सेल्फ दैट व्हेन दिस सिंबल्स ऑफ साउंड वी आर डिस्कवर्ड एंड हाउ दे हैड बीन सेटल्ड इन सर्टेन ऑर्डर। आप इतर हैं कि यू शुड थिंक, आप विचार करिए अपने में कि ये जब डिस्कवर्ड हुआ और बाद में ये धीरे धीरे ऑर्डरिंग में यानी ऑर्डर में सेटल हो गया। नाउ स्टडी द स्टोरी ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग इन दिस चैप्टर। आइए हम लोग इस चैप्टर में राइटिंग और प्रिंटिंग की कहानी को आगे बढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। यहाँ बात करते हैं स्क्रिप्ट की, यानी लिपि क्या होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग एंड पिक्चर्स हैव बीन फाउंड इन द केव, कह रहे विभिन्न प्रकार के पेंटिंग या तस्वीरें गुफाओं में पाई जाती थी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा और ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ऊपर चलते हैं। दैट प्रूव द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अर्ली मैन, इससे यह पता चलता है कि पहले के लोग कैसे एक दूसरे से यानी कैसे अपने स्टाइल का कम्युनिकेशन करते थे, कम्युनिकेशन की स्टाइल क्या थी उनकी, ये दर्शाती है। द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग टू अदर्स, पहले के लोग उनको ये नहीं पता था कि अपने भावों को अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने कैसे रखा जाए, कैसे बताया जाए, उनको ये पता नहीं था और ना ही वो कर पाते थे। फॉर दिस दे यूज टू ड्रा द पिक्चर ऑन द वॉल्स, और इस प्रकार वो क्या करते थे, दीवारों पर पिक्चर, गुफाओं में पिक्चर तस्वीरें बनाया करते थे। व्हाट दे हैड डन होल डे लॉन्ग, वो जो दिन में करते थे वो तस्वीरों को के द्वारा प्रदर्शित किया करते थे। मोस्ट ऑफ दिस पिक्चर्स आर एनिमल्स विच ही यूज टू सी अराउंड हिम एंड हंट एवरी डे, करें कि वो क्या बनाते थे, किसका पिक्चर बनाते थे, जानवरों का पिक्चर बनाया करते थे जिसको वो अपने आसपास देखा करते थे या उसका शिकार किया करते थे, उसी जानवर की तस्वीर अपनी गुफाओं में बना दिया करते थे। दिस पिक्चर्स
These pictures were the symbol of song to express his ideas. उनके विचारों, उनके आइडियाज़ के बारे में पता चलता था. दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड पिक्टोरियल स्क्रिप्ट. इस स्क्रिप्ट को, इस लिखावट को पिक्टोरियल लिखावट कहा जाने लगा, कहा जाता है. इन दिस स्क्रिप्ट वेरियस ऑब्जेक्ट आर नोन थ्रू पिक्चर्स. इस स्क्रिप्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त की जाती थी. मोस्ट ऑफ दिस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, इस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट की जो मुख्य है वो क्या हुआ करता था इसके बारे में जानते हैं. स्क्रिप्ट नहीं, नहीं स्क्रिप्ट नीचे आते हैं. यहाँ पे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट हाय बिल फाउंड द टर्म ऑफ एंशिएंट. ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी लिखावट पहले, बहुत पहले प्राचीन प्राचीन इमारतों में, मकबरों में मिलती थी. जो पहले के इजिप्टियन राजा हुआ करते थे, इजिप्ट देश के राजा, उनके मकबरों में मिला करती थी. दिस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट वी आर आल्सो कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स. हायरोग्लिफिक्स कहते हैं, मतलब इस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को हायरोग्लिफिक्स कहते हैं. सम स्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इंदस वैली साइट्स. कुछ स्क्रिप्ट सिंधु घाटी में पाई जाती हैं. दे प्रूव्ड दैट द पीपुल ऑफ इंदस वैली यूज्ड दिस स्क्रिप्ट इन द सील विच हैव नॉट बीन डेसिफेयर्ड स्टिल नाउ. करें कि ये यह बताती हैं कि पहले के लोग इस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का यूज किया करते थे, जो आज के समय में नहीं चलता है, आज देखने को नहीं मिलता है, जो आज देखने को नहीं मिलता है. बट वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके उसके निशान ज़रूर मिलेंगे, मिलते भी हैं. It is believed that these pictures were developed later and used as a symbol. और इसी पिक्चर को जो है बाद में धीरे धीरे इसका विकास हुआ और ये सिंपल इजी सिंबल में जो है लिखा जाने लगा धीरे धीरे मनुष्यों के द्वारा. सिंबल्स इन वो चलते हैं सिंबल्स In writing, these symbols were first introduced in Mesopotamia by the Sumerians. इस सिंबल को सबसे पहले मेसोपोटामिया में इंट्रोड्यूस किया गया सुमेरियन के द्वारा. These symbols were triangular. ये सिंबल्स ट्राइंगुलर के आकार का हुआ करता था. In the shape scales and the either is slate with a sharp knife. जो स्लेट नुमा पत्थर पे जो है शार्पनु के लिए चाकू से बनाया जाता था. लेटर ऑन दिस सिंबल्स डेवलप्ड इनटू अल्फाबेट. अर्लियर अर्लीस्ट स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन इंडिया. और इसका धीरे धीरे जो है विकास होता गया और बाद में उनके द्वारा ये सबसे अर्लीस्ट स्क्रिप्ट के नाम से भारत में आया अल्फ़ाबेट, जिसे हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं. इट वॉज यूज इन द स्टोन एंड पिलर्स बाई अशोका. और इसका यूज पत्थरों और पिलर में अशोका के द्वारा यूज किया गया. मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्क्रिप्ट, जो मॉडर्न आधुनिक स्क्रिप्ट हैं इंडिया, हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट हैं वो इंडिया के, इंडिया जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डिराइव्ड की है, यानी प्राप्त की है. टूडे और नेशनल लैंग्वेज इन हिंदी. आज हमें जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है. इट इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसको लिखने की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है. ठीक है, तो ये पहले के सिंबल थे कुछ, और हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है. और ये यहाँ तक हम पेज नंबर 43 तक इस वीडियो में पढ़ा दे रहे हैं. 44 से आपको
अगले वीडियो में इसी का थोड़ा सा बचा हुआ था जो इसमें हम बोल दे रहे हैं लॉन्गेस्ट सच एज पेज को जब बदलेंगे सच एज संस्कृत मराठी गुजराती ETC आर आल्सो रिटेन इन देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देयर आर मेनी स्क्रिप्ट इन इंडिया सच एज तमिल गुरुमुखी अरबिक पर्सियन ETC इंग्लिश इज रिटेन इन रोमन स्क्रिप्ट यानी इंग्लिश को जो लिखने का तरीका है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। पेज नंबर 44 आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और पहुँचते हैं द नंबर द स्टोरी ऑफ नंबर्स द स्टोरी ऑफ नंबर यानी नंबर आपको कब से पता चला या इसकी कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्ली मैन वाज अ हंटर पहले के लोग शिकार किया करते थे। आफ्टर हंटिंग शिकार करने के बाद मेनी एनिमल्स ही वाज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाई द एनिमल्स बट आल्सो काउंटिंग देयर नंबर जब वो शिकार करते थे तो ही वाज नॉट ओनली इंटरेस्टेड वो जो है जानवरों के प्रति काफ़ी कभी कभी इंटरेस्ट भी नहीं हुआ करते थे और कभी कभी वो जानना चाहते थे कि कितने जानवर हैं काउंटिंग करने के जैसा उनके दिमाग में जब आता था। इमीडिएटली ही यूज टू द स्मॉल पेबल्स स्टोन्स तो क्या करते होंगे संभवतः वो उस समय कंकड़ पत्थर या स्टिक के टुकड़े या तो अपनी अंगुली से ये काउंटिंग करने का काम करते थे। लेटर बाद में ही वुड ड्रा द पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लेसेस उसके बाद क्या हुआ कि वो जिस जानवर को हंट करते शिकार करते थे उसकी तस्वीर बना लिया करते थे किसी स्थान पर और डॉट डॉट करके लाइन उसकी चारों तरफ बना दिया करते थे द पिक्चर एज एनिमल ही हैड हंटेड जिस जानवर की वो लोग शिकार करते थे उसका चित्र बना लिया करते थे। व्हेन मैन स्टार्टेड टेमिंग एनिमल जब आदमी लोग उस समय के जब आदमी डॉग सीप काऊ गोट इन सब ऐसे जानवरों को जब जल टेमिंग करने लगे इट बिकम द मोर इम्पोर्टेंट दैट ही केप्ट एन अकाउंट ऑफ ऑल द एनिमल्स ही हैड यानी जब ये इनको जब पालने लगे काऊ आज भी देखते हैं बहुत लोग गाय पालना गोट पालना सीप करते हैं डोमेस्टिक एनिमल के रूप में तो जब ज़्यादा संख्या में हो जाया करती थी तो उनको गिनने में काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी। दे मेड सिंबल विथ अ नाइफ ऑन द स्टिक बार्क ऑफ ए ट्री ETC टू नो द नंबर करें तब उस समय ये लोग क्या किया करते थे जानने के लिए अच्छा कुछ ऐसा नोकीला लेते थे उससे या तो स्टिक या तो पेड़ की छाल से ये लोग बनाया किया करते थे या काउंटिंग किया करते थे टू नो द नंबर देयर एनिमल्स अपने जानवरों के नंबर के बारे में जाना करते थे। ऊपर चलते हैं द कंसेप्ट यहाँ से पेज नंबर 44 पर ही ऊपर चलिए द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम रियर वी आर इंट्रोड्यूस्ड बाई इंडिया टू वर्ल्ड कह रहे हैं कि जीरो और डेसिमल नंबर का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस्ड बाई इंडिया टू द वर्ल्ड यानी वो इंडिया सारे संसार में इंडिया ने ही इस कंसेप्ट को कन्फर्म किया। द इंटरनेशनल सिस्टम नंबर इज आल्सो बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम और कह रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम भी इंडियन सिस्टम की एक प्रणाली उसी के आधारित बनी। फिर आगे बढ़ते हैं द अरब्स एडॉप्टेड द इंडियन नंबर्स आर कॉल्ड देम हिंदास जब अरब इंडियन नंबर को एडॉप्ट किया तो उसे हिंदसा कहा गया विच मीन्स इंडिया जिसके मतलब भारत हुआ करता था होता है। दैट इज़ वाई द नंबर
Now every day we used or call Arabic number. That is why the number. तो तभी से इस नंबर को now every day we use the हम लोग अरेबिक नंबर का हमेशा यूज करते आ रहे हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. द स्टोरी ऑफ पेपर, पेपर की क्या कहानी रही है. द इजिप्टियन वेयर द फर्स्ट टू मेक द पेपर फ्रॉम सीड कॉल्ड पेपिरस. कह रहे हैं कि जो इजिप्ट देश है वहाँ के लोग सबसे पहले पेपर बनाने का काम किए और एक बीज से बनाना शुरू किए जिसे पेपिरस कहा जाने लगा. द वर्ड पेपर इज डेरिवेटेड फ्रॉम द पेपिरस. और पेपर शब्द की उत्पत्ति पेपिरस से ही हुई. फॉर द लॉन्ग टाइम पेपिरस कंटिन्यू टू बी यूज्ड राइटिंग मटेरियल. और बहुत लंबे समय तक पेपिरस राइटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता रहा. व्हेन द चाइनीज फर्दर परफेक्टेड आर्ट. उसके बाद क्या हुआ. पेपिरस देन द चाइनीज फर्दर परफेक्टेड द आर्ट ऑफ द मेकिंग पेपर. उसके बाद चाइनीज लोग इसी पेपर पे अच्छे अच्छे प्रिंटिंग और आर्ट बनाना शुरू कर दिए, अपनी कला दिखाना. प्रोबेबली इट वॉज मेड फ्रॉम द पल्प. उसके बाद ये किसी पेड़ के गूदे से भी बनाने लगे पेपर को. टुडे वुड पल्प इज यूज्ड मेक पेपर. आज भी लकड़ी के गूदे से पेपर बनाया जाता है. द डिमांड ऑफ फॉर पेपर इंक्रीज्ड व्हेन बुक बिगन टू द प्रिंटेड ऑन प्रिंटिंग प्रेस. और जब से पेपर की ज़्यादा आवश्यकता बढ़ गई या तो कहिए बुक छपने लगी तो अधिक पेपर की आवश्यकता पड़ने लगी तो वो प्रिंटिंग प्रेस में छपाई होने लगी. फिर आगे बढ़ते हैं. द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कब हुआ, खोज कब हुआ, कैसे प्रिंट करते हैं, पूरा याद कर लो. कैसे प्रिंटिंग प्रेस कब आया. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के खोज के बाद, इन्वेंशन के बाद, द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू राइट हरिडली बिकॉज इट राइटिंग वॉज हैंड कुड नॉट कम्प्लीट इट नेसेसिटी ऑफ पीपुल. कह रहे हैं कि इस पर जब पेपर की तो उत्पत्ति हो गई, पेपर आ गया मार्केट में, बट पॉसिबल नहीं हो पाता था. एक समस्या उत्पन्न हो गई कि इस पर कैसे साफ सुथरा और जल्दी से लिखा जाए और लोगों तक पहुँचाया जा सके, तो ये काफ़ी दिक्कत होने लगी. तो द पीपुल फेल्ड द डेवलप टू राइटिंग द प्रोसीडर. तो पीपुल जो लोग थे वो महसूस करने लगे कि कैसे इसको डेवलप किया जाए, लिखावट को कैसे प्रोसीड किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए आगे. द नेसेसिटी रिजल्टेड इन द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन. तो इस ये काम सिर्फ जो है प्रिंटिंग मशीन के द्वारा ही हो सकती थी. उसके बाद फिर क्या हुआ. द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन, द फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ सम काइंड वॉज डन बाई चाइनीज इन द 5th century. और 5th century में चाइनीज के लोग प्रिंटिंग मशीन को बनाने में धीरे धीरे कारगर होने लगे. दे यूज्ड ब्लॉक ऑफ वुड टू कार्व पिक्चर. और वो लकड़ी के ब्लॉक को लेकर के ऑन द एयर सरफेस लकड़ी के टुकड़ों को लेकर के उस पर जो है चित्रों को बनाने लगे. द ब्लॉक वेयर देन इंक्ड एंड प्रेस्ड डाउन ऑन द पेपर. और लकड़ी पर कट करके उसको पेपर पे मतलब इंक लगा करके पेपर पर छापने लगे, यानी लकड़ी पर लिख करके पेपर में छापने लगे. तो
फिर क्या हुआ, विथ द पैसेज ऑफ टाइम अ स्कॉलर एंड साइंटिस्ट ऑफ जर्मनी, इसके बाद क्या होने लगा, टाइम इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट होने लगा, फिर एक साइंटिस्ट थे जो जर्मनी के थे नेम जॉन गुटेनबर्ग, मेड लेटर ऑफ लीड मेटल इन द 15th century, इन्होंने 15वीं शताब्दी में एक मेटल लीड बनाया लिखने के लिए, दीज लेटर्स वी आर सेट इनटू अ वुडन फ्रेम, और ये ऐसा सेट बनाया कि वो लकड़ी के फ्रेम में पूरी तरह से फिट हो जाता था, एंड इंक्ड फॉर प्रिंटिंग ऑन द पेपर, और इंक लगा करके पेपर में प्रिंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। द फर्स्ट बुक गुटेनबर्ग मेड बाई दिस मेथड वाज कॉल्ड द गुटेनबर्ग बाइबल, और जो पहली किताब छपी इस लकड़ी के टुकड़े के बीच में जो लेटर रखा गया था उसके द्वारा जो पहली बुक छपाई हुई उस बुक का नाम गुटेनबर्ग बाइबल रखा गया था, मतलब था। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले लकड़ी के फ्रेम में एक बना दिया लीड के अंदर शब्दों को लिख करके छपाई का जो है काम शुरू कर दिया, और पहली किताब को छापा जिसका नाम गुटेनबर्ग बाइबल ये था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक ये चैप्टर समाप्त होता है, उसके बाद आप लोग ये पूरा पढ़ लीजिएगा नीचे का, ये अपने से पढ़ लीजिएगा इधर का रिविंडर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लिखवा के सेंड कर देंगे, बाकी बच्चे तो ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है।